प्रातःवंदन बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के अंतर्गत जो हिंदी विषय है उसमें वित्तान भाग दो। अभी तक हमने जो अध्ययन किया बेटा, आपकी वो एक बुक थी आरओ भाग दो का। आज हम दूसरी पुस्तक, दूसरी बुक है जो आपकी वित्तान भाग दो के अंतर्गत, पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके लेखक परिचय को पढ़ेंगे समझेंगे और पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए हम पढ़ते हैं वित्तान भाग दो कक्षा 12वीं हिंदी। जैसे कि बच्चों आप देख रहे हैं, यह है आपकी विषय सूची जिसमें कि सबसे पहला जो दिया है वह है सिल्वर वेडिंग, जो मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा रचित है। दूसरा है जूस, आनंद यादव जी की है। तीसरा अतीत में दबे पांव, ओम थानवी जी का है। चौथा है डायरी के पन्ने। इस प्रकार से तो आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं सिल्वर वेडिंग, मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा रचित। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रस्तावना, तो उसमें क्या है, तो सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित एक लंबी कहानी है। प्रस्तुत कहानी में इन्होंने आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए समाज, दूसरे और मनुष्य को मनुष्य रखने वाले मूल्यों के बीच अंतर्द्वंद को दिखाया है। जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर में मनोहर श्याम जोशी जी को, लेखक जी का जो जीवन परिचय है, जन्म 9 अगस्त 1933, जन्मभूमि अजमेर राजस्थान, मृत्यु 30 मार्च 1906, मुख्य रचनाएं कपस, कौन हूँ मैं, हमजात, धारावाहिक हम लोग, बुनियाद, हमराही इत्यादि। दूरदर्शन के प्रसिद्ध लोकप्रिय धारावाहिकों बुनियाद, नेताजी, कहीं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम लोग आदि के कारण भी भारत के घर घर में प्रसिद्ध हो गए थे। वे रंगमंच के अच्छे जानकार थे। उन्होंने धारावाहिक और फिल्म लेखन से संबंधित पटकथा लेखन नामक पुस्तक की भी रचना की। मुंगेरी लाल के हसीन सपने और बुनियाद, जैसे कि इसमें दिया है कि भारत के घर घर में प्रसिद्ध हो गए थे, तो किसी ने उनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने और जो धारावाहिक बुनियाद उनको देखा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, आपका ये पहला पाठ है मनोहर श्याम जोशी जी सिल्वर वेडिंग। पिक्चर में आप देख रहे हैं, इसी के पाठ के सार को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। हिंदी के महान साहित्यकार मनोहर श्याम जोशी कृत सिल्वर वेडिंग एक ऐसे परिवार की कथा है जो पर्वतीय अंचलों से आकर दिल्ली में आजीविकारत हैं, और यशोधर पंत एक सरकारी कार्यालय में सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। वे परंपरागत विचारों के आदमी हैं। दिल्ली में उनके गांव के ही कृष्णानंद पांडे किशनदा सरकारी नौकरी करते थे। उन्हें सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था। यशोधर पंत उनके क्वार्टर में रहते थे। यशोधर जब दिल्ली आए उस समय उनकी आयु नौकरी के लिए कम थी, इसलिए वे किशनदा की कृपा पर जीवन यापन करते थे। जब उनकी उम्र सरकारी नौकरी के योग्य हो गई तब उन्हें किशनदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। यशोधर पंत को भी कुछ दिन बाद दिल्ली के गोल मार्केट क्षेत्र में क्वार्टर मिल गया। वे अब सरकारी आवास में संयुक्त परिवार के साथ रहने लगे। उनके ताऊ जी भी अपने दो विवाहित बेटों के साथ गांव से आ गए और यशोधर जी के साथ रहने लगे। प्राय परिवार की महिलाओं परस्पर बनती नहीं थी। यशोधर जी की पत्नी को दूसरों से दबके रहना पड़ता था और यशोधर जी ताऊ जी के भय से कुछ भी नहीं कह पाते थे। किशनदा भी उसी क्षेत्र में बिरला मंदिर के पास रहा करते थे। यशोधर प्रतिदिन प्रातः उनके साथ भ्रमण करने निकलते थे। वे किशनदा का बहुत आदर करते थे। किशनदा जब भी उनके घर आते उनका काफी सम्मान होता था। किशनदा पुराने विचारों के धार्मिक व्यक्ति थे। यशोधर उनके प्रत्येक काम का अनुसरण करने का सतत प्रयास करते थे। किशनदा आजीवन कुंवारे रहे। उनके साथियों ने अपने लिए मकान बनाए, लेकिन किशनदा पूरे सरकारी सेवा काल में सरकारी आवास में ही रहे और जीवन भर समाज तथा अपने लोगों के लिए समर्पित रहे। रिटायर होने के बाद वे अपने गांव चले गए। किसी ने उन्हें अपने पास रहने को ना कहा। स्वयं यशोधर बाबू भी उनके सामने इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं रख सके। गांव जाकर एक वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो गई और यशोधर ने उनके गांव के किसी व्यक्ति से उनकी मृत्यु के बारे में पूछा तो उत्तर मिला, जो हुआ होगा, यही संसार का नियम है, विपत्ति के समय कोई साथ नहीं देता। यशोधर बाबू गोल मार्केट क्षेत्र में रहते थे। वहां सरकार पुराने क्वार्टरों को तोड़कर बहुमंजिले क्वार्टर बना रही थी। वहां रहने वाले कर्मचारियों को अच्छे क्वार्टरों में स्थानांतरित किया जा रहा है, लेकिन यशोधर बाबू गोल मार्केट क्षेत्र छोड़ना नहीं चाहते थे। वहां पर जो अभी थोड़े पुराने क्वार्टर बचे हैं, यशोधर बाबू उन्हीं में स्थानांतरित हो गए, जबकि उनके बच्चे भी वहां
से जाना चाहते हैं, लेकिन यशोधर बाबू अपने ही विचारों पर वह गोल मार्केट क्षेत्र छोड़ना नहीं चाहते। वहां पर जो अभी थोड़े पुराने क्वार्टर बचे हैं यशोधर बाबू उन्हीं में स्थानांतरित हो गए, जबकि उनके बच्चे भी वहां से जाना चाहते हैं, लेकिन यशोधर बाबू अपने ही विचारों पर अड़े हैं। उन्हें यही क्षेत्र प्रिय है क्योंकि यहाँ से बिरला मंदिर निकट है। उनके किशनदा इसी क्षेत्र में रहते थे। उनके प्रारंभिक जीवन की कई यादें इस क्षेत्र में दफन है। उनका दूसरा लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा है। उनकी एकमात्र लड़की डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए विदेश जाने की तैयारी पर है। उनका तीसरा लड़का स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है। इस प्रकार उनके बच्चे आधुनिक विचारों के हैं, जबकि यशोधर बाबू कैसे विचारों के हैं, पुराने विचारों के, और उनके जो बच्चे हैं वो कैसे विचारों के हैं, आधुनिक विचारों के। अतः प्राय हर बात पर उन्हें मतभेद होता रहता है। उनकी पत्नी बच्चे जो है उनके साथ उनकी पत्नी बच्चों का साथ देती है। यशोधर बाबू किशनदा को अपना आदर्श पुरुष मानते थे। किशनदा पुराने विचारों के व्यक्ति थे, वे उन्हीं का अनुगमन करते थे। उनके बच्चों को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे पहले दफ्तर साइकिल से जाते थे, लेकिन बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं। पिताजी को तो स्कूटर से ऑफिस जाना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके जो पिताजी हैं वो साइकिल से जाएं। लेकिन यशोधर बाबू को स्कूटर की सवारी पसंद नहीं थी, इसलिए वे क्या करते थे, पैदल ऑफिस पहुंच जाते थे। यशोधर बाबू का घर का सारा यशोधर जो बाबू थे वो घर का सारा काम करते थे, जैसे कि मंडी से साग सब्जी लाना, दूध लाना, राशन लाना, डिस्पेंसरी से दवा लाना, डिपो से कोयला लाना, मिट्टी का तेल लाना, आदि सारे काम वे ही करते थे। जब वे बच्चों से काम में हाथ बटाने के लिए कहते तो बच्चे क्या करते कि नौकर रखने की बात कहते थे। यशोधर बाबू चाहते थे कि उनका बेटा अपनी तनख्वाह उनके हाथ में रखे, लेकिन वह ऐसा करना उचित नहीं समझता। वह घर में अपने शौक के सामान जैसे फ्रिज, गैस, टेलीविजन आदि लाता रहता, लेकिन यशोधर बाबू को ये सब चीजें पसंद नहीं थी। इसके अतिरिक्त उनके बेटे ने घर में कारपेट बिछा दिए, सोफा लगा दिया, कमरों में पर्दा लगा दिया, डल्लब बालक डबल बेड, सिंगार मेज आदि साधु सामान से घर में सभी खुश हैं, लेकिन यशोधर बाबू इन्हें फिजूल खर्ची मानते हैं। वे दिखावा पसंद नहीं करते। वे आधुनिकता के लिए अपनी पुरानी संस्कृति को खोना नहीं चाहते। क्यों नहीं खोना चाहते वो पुरानी संस्कृति को, क्यों, क्योंकि वो आधुनिक विचारों के नहीं हैं। उनको फिजूल खर्ची पसंद नहीं है। वह जो भी चाहते हैं वह बहुत सादगी भरा जीवन चाहते हैं, इसलिए वह दिखावा पसंद नहीं करते, आधुनिकता में जीना नहीं चाहते। इस प्रकार और उनको ये सब चीजें जो बेटा उनका करता है उनको पसंद नहीं आती हैं। यशोधर पंत को ज्ञात नहीं है कि आज उनकी शादी की 25वीं सालगिरह है। वे प्रतिदिन की भांति आज भी ऑफिस के काम में व्यस्त हैं। 5 बजे साय ऑफिस से छुट्टी हो जाती है, लेकिन आज उन्हें 5:30 बज चुके हैं। उनके मातहत कर्मचारी भी उनके कारण अभी तक ऑफिस में रुकने के लिए मजबूर हैं, मजबूर थे। चलते समय परस्पर बातचीत में उनके मातहत कर्मचारियों ने उनसे पूछ लिया कि आपकी शादी कब हुई थी। उन्होंने उत्तर दिया 6 फरवरी 1947 को। आज 6 फरवरी का ही दिन है। यह ख्याल यशोधर जी को नहीं रहा। सहकर्मियों ने परिहास के लहजे में बड़ा कहा, आज तो साहब की सिल्वर वेडिंग है, इसलिए दावत हो जानी चाहिए। आज आपकी शादी को पूरे 25 साल हो गए। उनको याद ही नहीं था यशोधर बाबू को कि आज उनकी शादी की सालगिरह। और जो जैसे वो कार्य करते थे प्रतिदिन की भांति वह आज भी अपने ऑफिस में क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। बल्कि और 5 बजे आते थे तो ऑफिस से 5:30 बजे आए हैं। उनके जो सहकर्मी हैं वह उनसे पूछते हैं और उत्तर में जब वह ये बताते हैं तो वह कहते हैं अरे आज तो 6 फरवरी का दिन। इस प्रकार से उनके शादी को पूरे 25 साल हो गए। वे कभी भी शादी की सालगिरह नहीं मनाते। आज भी सहकर्मियों के दबाव में आकर दावत दे दी और स्वयं प्रतिदिन की भांति ऑफिस से घर के लिए चल पड़े। रोज की तरह वे बिरला मंदिर गए। वहां थोड़ी देर तक क्या सुना, प्रवचन सुना। उनके बाद पहाड़गंज से सब्जी लेकर
वे सायं 8 बजे घर पहुंचे, यही उनका रोजाना का नियम। इस प्रकार से रोज की तरह बिरला मंदिर जाना, वहां प्रवचन सुनना और पहाड़गंज से सब्जी लेकर 8 बजे घर पहुंचना, यही उनका रोज का काम था। चलिए आगे पढ़ते हैं। सब्जी का झोला लेकर, झोला ने थैला लेकर यशोधर बाबू खुदी हुई सड़कों, टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे पर चलते हुए उस कोने में पहुंचे जिसमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए थे। उनमें से ही 1 क्वार्टर में यशोधर बाबू रहते थे, लेकिन आज वहां का नजारा कुछ और ही था। पहले तो वे चक्कर में पड़ गए कि कहीं मैं गलत जगह तो नहीं पहुंच गया, फिर होश आवास में संयत रख के देखा कि यह तो अपना ही घर है, लेकिन आज यहाँ पर चकाचौंध थी। क्वार्टर के बाहर एक कार, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल खड़े थे, कई लोग आ जा रहे थे। बरामदे में रंगीन झालरें, गुब्बारे लटक रहे थे और रंग बिरंगी रोशनियां चली हुई थी। यह देखकर यशोधर बाबू आश्चर्यचकित थे। उन्होंने थोड़ा सा ठिठक कर देखा कि उनका बड़ा बेटा भूषण किसी को विदा कर रहा है और जो भूषण से अंग्रेजी में कह रहा था, गिव माई वार्म रिगार्ड टू यूर फादर। यशोधर बाबू कुछ समझ नहीं पा रहे थे, वे चुपचाप देख रहे थे कि उनकी पत्नी व बेटी भी कुछ मैम साहबों को विदा कर रही थी। आधुनिक लोगों की भीड़ के कारण यशोधर बाबू चुपचाप वहीं खड़े होकर सब कुछ देखने लगे। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, यशोधर बाबू के घर में पार्टी हो रही है, बहुत से लोग पार्टी में सम्मिलित हैं और एकदम से यशोधर बाबू बाहर से ही देखते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि उनके घर में आज ऐसा क्या हो रहा है। जब कार वाले महत्वपूर्ण लोग चले गए, तब यशोधर बाबू क्वार्टर की तरफ बढ़े। भीतर अब भी पार्टी का दौर चल रहा था, कई मित्र व रिश्तेदार पधारे हुए थे। अंदर पहुंचकर उन्हें बच्चों की घुड़की सुननी पड़ी। क्या सुना? कि आज आपकी शादी की सालगिरह, रजत जयंती, सिल्वर वेडिंग है और आप समय पर ना पहुंचे। यशोधर बाबू हतप्रभ थे कि जिसके जन्मदिन पर कभी 4 लड्डू नहीं बटे, उसकी शादी की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह के नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक, विस्की, सब कुछ मौजूद है। बहुत आश्चर्य हुआ उनको देख कर। चलिए आगे पढ़ते हैं। यशोधर बाबू ने अपने बड़े बेटे भूषण से पूछा कि इस पार्टी की क्या जरूरत थी और मुझसे तो पूछा भी नहीं गया। तो सुनकर एक कोने में बैठा कोला में डली विस्की पीता हुआ बोला, गिरीश बोला, कौन बोला? विस्की पीता हुआ गिरीश बोला, सुबह मुझे याद आया कि आज जीजा जी की शादी की 25वीं वर्षगांठ यानी सिल्वर वेडिंग है, क्यों ना इसको धूमधाम से मनाया जाए। मैंने और भूषण ने यह कार्यक्रम अकस्मात बना दिया, आपके ऑफिस में फोन किया पर आप मिले नहीं। गिरीश यशोधर की पत्नी का चचेरा भाई था, वह एक बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर था। उसकी सहायता से भूषण विज्ञापन कंपनी में नौकरी पर लगा था। यशोधर के अनुसार भूषण को इसी ने बिगाड़ा है और उसकी पत्नी कहती थी कि जिंदगी बना दी तुम्हारे बीए सेकंड क्लास बेटे की। पार्टी में यशोधर बाबू को केक काटने के लिए कहा गया तो वे पहले तो केक काटने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन बाद में बच्चों के दबाव से उन्हें केक काटना ही पड़ा। पर उन्होंने केक में अंडा होने की बात कहकर केक नहीं खाया और संध्या करने चले गए। अन्य लोगों का कार्यक्रम चल रहा था। आज उन्होंने पूजा करने में अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक समय लगा दिया था। कई मेहमान चले भी गए थे। कुछ रिश्तेदार व परिवार के लोग यशोधर बाबू की प्रतीक्षा कर रहे थे। यशोधर बाबू ध्यान मग्न थे। ध्यान में बैठे हुए उन्हें अपने पूर्व मार्गदर्शक किशनदा की याद आ रही थी। वे मन ही मन उनसे बात कर रहे थे। इतने में उनकी घरवाली झिड़कती हुई आ पहुंची कि आज पूजा में ही बैठे रहोगे, सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। वे गमछा पहनकर संध्या में बैठे थे, उसी वेशभूषा में बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि कुछ पैकेट पड़े हैं और उनके बारे में पूछने पर भूषण ने बताया कि ये सब आपके प्रेजेंट हैं। उन्होंने कहा आप लोग इनका इस्तेमाल करें और ये प्रेजेंट स्वयं भूषण लिए आया लेकर उनके लिए लेकर आया था। यह एक ऊनी गाउन था, उसको यशोधर बाबू ने स्वीकार कर लिया था। उनके बेटे ने कहा इस गाउन को पहनकर आप सुबह दूध लेने जाया करें।
यह सुनकर उन्हें आंतरिक दुख हुआ कि वह यह नहीं कह पा। इस प्रकार से सुबह दूध लेने जाया करें, क्योंकि बेटा जो है गाउन को लेकर आया था, उनके लिए गिफ्ट लाया था। यह सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ और वह यह नहीं कह पा रहे थे कि दूध मैं ला दिया करूंगा। उनको किशनदा की याद आई, जिनकी मौत में जो हुआ होगा से हुई। इस प्रकार ये जो मैंने आपको पाठ पढ़ाया सिल्वर वेडिंग, इसके पाठ के सार को मैंने समझाया। अब इनके कुछ कठिन शब्दार्थ जो दिए हैं उनको पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे समहाउ, इम्प्रोपर, हर प्रकार से अनुचित, छोकरा लड़का, धृष्टता, बदतमीजी, बाबा आदम के ज़माने की, पुराने समय की, ठटक कर, मजाक कर, कुंवारे, अविवाहित, कुंवारे माने होता अविवाहित होना, ठीक ठिकाना, उचित आवाज, किशनदा मतलब बड़ा भाई, किशन, मैं सम्मिलित यानी रसोई, सिल्वर वेडिंग शादी की 25वीं सालगिरह, अदा हावाव, चोचले, दिखावटीपन, कस्टम, रीति रिवाज, इंसिस्ट, जोर देना, चुग्गे चारा, खुरा फात यानी शरारत, विरासत यानी परंपरा, अक्सर यानी आमतौर पर, सनात जिसका मालिक हो, सुलझे, अनुभवी, दुनियादारी, मजाक, सामाजिक जीवन, सयाने यानी जो जानकार हैं, पुश्तैनी जो पैतृक है, रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति, स्कॉलरशिप यानी वजीफा, उपेक्षा यानी महत्व ना देना, मातृसुलभ, माँ का स्वाभाविक गुण, मार्ड माने आधुनिक। इस प्रकार और भी कठिन शब्दार्थ जो आपके उसमें बुक में दिए होंगे। बच्चों, मैंने आपको यहाँ पर आज सिल्वर वेडिंग पार्ट को पढ़ाया, वितान भाग दो के अंतर्गत। आप इसके जो प्रश्नोत्तर हैं उसको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक आप इन कठिन शब्दों को और जो मैंने आपको पाठ का सार समझाया है उसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे, और यही प्रश्नोत्तरों के रूप में आपको हम पढ़ाएंगे और समझाएंगे। धन्यवाद।